जिंदाबाद जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को निरस्त करने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। लोकदल नेता नरेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड 19 के 3 साल सेना भर्ती नहीं की गई थी, अब सरकार सेना में 4 साल को लेकर आई है, जिसका राष्ट्रीय लोकदल विरोध करता है। अराजकता कर रहे छात्रों को लेकर कहा कि राष्ट्रीय लोकदल जो छात्र प्रदर्शन में हिंसा कर रहे हैं उनका समर्थन नहीं करती, लेकिन छात्र अपनी मांगों को कैसे रखें ये भी देखना होगा। मुझे तो वीपी सिंह का टाइम याद आ रहा है कि जब बच्चों ने आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में अराजकता का माहौल जब हुआ था और बच्चों ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था, वही मुझे समय आज दिखाई दे रहा है। और ये अदूरदृष्टि इनका निर्णय है। इनने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं वो जनहित के नहीं हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, उससे व्यापार चौपट हुआ, GST से व्यापार चौपट हुआ, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला 13 महीने, उसके बाद माफ़ी मांग ली, मतलब कोई ऐसा कृत्य ऐसा नहीं है। अब ये बच्चों के जीवन के संग खिलवाड़ है। 3 साल कोरोना का बहाना लेके भर्ती जो बंद की इन्होंने, उसको अब ये 4 वर्ष में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं, तो 4 वर्ष के बाद ये बच्चे क्या करेंगे? इसका भी तो इनको योजना बनानी चाहिए। जनरल बैठा दिए तीनों, वो सलाह दे रहे हैं, तो मंत्री लोग सलाह दे रहे हैं, अरे योजना बनाने से पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? काले कानून जो 3 बनाए थे किसान, उसमें भी जनता ने ये कहा था, सब विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि आप लोग इस का विचार विमर्श करिए, जन किसानों से पूछिए, उसके बाद लागू करिए। तो युवाओं जो उपद्रव किया है वो सही है? कोई उपद्रव नहीं किया, आपकी मांग मानने के लिए बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, कहीं अराजकता हुई है, जैसे बसें फूकी गई हैं और ट्रेन फूकी गई है, वो गलत है। योगेश ने बताया कि जयंत चौधरी के आह्वान पर जिला कार्यालय पहुंचकर अग्निपथ योजना के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय लोकदल विरोध कार्यकर्ता है और वापस लेने की मांग करता है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी के आह्वान और नेतृत्व में मथुरा राष्ट्रीय लोकदल जिला यूनिट इकाई के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आकर के सभी राष्ट्रीय लोकदल जिला यूनिट के जितने भी हमारे साथी हैं, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये अग्निवीर योजना लाके खड़ी की है, इस अग्निवीर योजना के अंदर में राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करता है और इस योजना को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि इस योजना को वापस लें। और जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस योजना को लाकर के, जिस तरीके से आप जब सरकार में आए थे तो आपने एक कमिटमेंट किया था जनता को कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन आज आपने जनता को दे दिया 9 रैंक 9 पेंशन। यही नीति है सरकार की।